अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल? ठीक ठाक उम्मीद करते हैं तमाम व्यूअर्स ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक है। शुरू करते हैं आज मज़ेदार व्लॉग, और व्लॉग शुरू करने से पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक कर देना, शुक्रिया। जनाब मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देख रहे हो ना, मैं कुछ चादर वगैरह नहीं लगाई हुई है, अपना कारपेट है, जो कि बारिश के आन की वजह से तो ना बारिश खिड़की पर पैंती रही, नीचे बैठक वाली खिड़की पर बारिश पैंती रही और पानी सारा कमरे से आ गया, खिड़की जो जिन्ना आ सके वो पानी सारा अंदर आ गया और कारपेट गीला हो गया। तो भाई फिर कारपेट ना मेरा ख्याल से धोया या नहीं पता नहीं, जो भी किता तो यार लिया के उत्ते छत सुकन वास्ते डाल दिता गया। दिन हो गए थे जनाब, अपना घर से इंटरव्यू नहीं हो रहा सी, मैं बस बाहर जिस टाइम भी जाता सी शॉप पे जा रहा था तो अपना इंटरव्यू हो रहा है। मैं कहनी कि आज घर से इंटरव्यू करने हैं कि भाई अपने घर नहीं ना मिस करना सी। आप सब तो पहले मैं थोड़ी गल समझा वा, फ्राइडे वाले ब्लॉग से मेरे कजन देखा होगा जिद एक्सीडेंट हो इस जगह तो ना आईब्रो जड़ा जी इस जगह तो खुल गई सारी, और बोनी क्रैनियम बोन यानी कि जी ब्रेन की बोन होंगी है तकरीबन तीन तो चार जगह तो क्रैक सी। तो खैर अज हफ्ता पहले मेरा ख्याल से तकरीबन हफ्ता हो गया, अज उन्हों का ऑपरेशन सी लाहौर न्यू हॉस्पिटल को इस तरह का नाम है अस्पताल का, तो अज अबू जान उन्होंने लैके गए हैं लाहौर। तो दुआ करो अल्लाह ताला उन्होंने सेहत जल्दी तो ता करे, हो सकता है जनाब ऑपरेशन ना भी होए क्योंकि दिमाग भी हड्डिया ने तो यह जुड़ भी सकदियां ने, आप आठ दिन तो वैसे हो गए हैं तो ऑपरेशन इसी चीज़ का ना कि हड्डियाँ उन्होंने जड़ना जोड़ दी ने, तो हो सकता है कि आप ही अटैच हो गई होन हड्डियाँ या आने वाले थोड़े जे टाइम च हो जाए, तो हो सकता है कि ऑपरेशन ना भी हो। बाकी अल्लाह ताला खैर फरमाए, अल्लाह ताला जल्दी तो जल्दी सेहत अता फरमाए। एनीवेज व्यूअर्स वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग जनाब। अलहमदुल्ला आज मौसम बड़ा ही खूबसूरत है, कल भी सारा दिन मौसम बादल वगैरह रहे हैं, मौसम यानी कि बेहतर ही जा रहा है, गर्मी वगैरह वाला सीन खत्म ही हो गया तकरीबन। आप सब तो पहले तो वैदर दिखाते हैं जनाब, बादल बन गए हुए ने, इस तरफ सूरज तुलू होया सी लेकिन फिर बादलों ने आके कवर अप कर दिता सब कुछ। खैर जनाब यह सब गल्लां छड़दे हैं और चलते हैं शॉप पे जल्दी तो, क्योंकि अपना हो गया टाइम तो उन्हें जल्दी तो उठ के चलते हैं जी शॉप पे रेडी, बस कपड़े यही डाल के जाने हैं जरा मुँह वगैरह अपना धो लेंगे और चलते हैं शॉप पे जनाब। तो हूँ मैं जा रहा हूँ शॉप पे, आओ चलते हैं जी शॉप पर देखने की सीन है। मौसम तो जरा डेंजरस ही हो रहा है, बाकी पता नहीं हूँ जिस दिन मौसम डेंजरस हो जाए ना उस दिन काम नहीं होगा जनाब। तुम बस शॉप पे पहुंचने ही वाले हैं और नेक्स्ट दिन चल अभी पहुंच भी जाओगे। चलते जनाब अपनी शॉप समान वाली भरी पई है, उन्हें समान वगैरह थोड़ा बाहर निकाल देना ताकि कुछ स्पेस बने अंदर जाने वास्ते। ओके जनाब, तो यह वाली फ्रिज जी डेंटिंग और पेंटिंग चाहिए, जो पेंटिंग डेंटिंग गड़िया तो होंगे ना उ जो सारा सिस्टम ए हो रहा है। फ्रिज वगैरह मैं बाहर निकाल दिते हैं, तो यह वाला जो फ्रिज है ना जी कल आया ए बैक साइड कंडेंसर जो चेंज होगा क्योंकि यह लीक है, तो जिनी नई फ्रिज होंगी ना उन्नी हल्की होंगी जा रही है फ्रिज। जनाब पुरानी फ्रिज है लेकिन उन्होंने हिलान लगे भी ना सोचना पैंता कि हिलाइए ना हिलाइए, मेरी जिंदगी मैं पहली बार इन्नी वजनी फ्रिज देखी लेकिन यह देखो हालत कितनी पुरानी है, तो यह वाली नई फ्रिज होने के बावजूद इन्नी हल्की है, लो जी कागज़ जैसी है सिर्फ। उसका पानी जनाब शॉप दे के खड़ा है, काम बड़ा ख़राब है यार। ओके जनाब, तो यह वाली फ्रीजर की प्लेट जो कि असं शहर जा रहे हैं वापस कराने वास्ते, साइज थोड़ा छोटा चाहिए है, तो जनाब शहर इस टाइम जा रहे हैं थोड़ा जहा काफ़ी बल्कि रास्ता काफ़ी है लेकिन जो इन शाला जल्दी पहुँच के ना काम करना चाहिए। प्लेट जो हवा के प्रेशर न पीछे मेरी तरफ ही आ रही है, काबू करना बहुत मुश्किल हो गया यार, अलग स्पीड भी है इसका। तो जनाब बस असं पहुँचे नहीं वाले हैं शहर, और जिस दुकान पर जाना जो थोड़ी प्लेट चेंज करवानी है जनाब, दुकान पर असं पहुँच गए जी जनाब। एक फ्रीजर है वाला लेना है, चेंज करवाना है, नया ले लिया, थोड़ा बहुत सामान लिया, थर्मोस्टेट और कैपिट्यूब वगैरह थे, थर्मोस्टेट इस तरह के सामान लिया नहीं चलने वाला। ओके जनाब, तो असी वापस पहुँच चुके हैं जी शहर तो वापस आ गए हैं, और जिस ही वापस आ ही रहे सी बस अपनी गलियों से पहुँचे से उन्हें कि बारिश शुरू हो गई। देखो जनाब रिम झिम बारिश हो रही है, हल्की हल्की कनियाँ पै रही ने जनाब। प्लेट एक्सचेंज होके आ गई है वापस, ऐ प्लेट जो है ना फ्रीजर इसी फ्रिज से फिक्स होना है। पहले वाला साइज जरा बड़ा सी, तो यह वाला जरा थोड़ा जहा छोटा साइज है इस फ्रिज दे ना बिल्कुल अकॉर्डिंग। फिर जरा मैं तुम्हें दस कंप्रेसर ऑयल है, और इससे अलावा एक कैपरी ट्यूब है, और एक थर्मास्टेट है। इस फ्रिज का जनाब हमने कंप्रेसर खोलिया, जड़ा ना कंप्रेसर आया तो सही होके रिपेयर होके, लेकिन हमने खोल के ना इसे ऑयल वगैरह पूरा करना है। फिलहाल तो जनाब इस फ्रिज की डेंटिंग और पेंटिंग चल रही है, हमने प्रोटीन वगैरह लग गई है, तो रगड़ाई होने तो बाद जड़ा ना ऐस सैट हो जाएगी, उस तो बाद पेंट करके ना जरा फिर टेक्निकल जो सिस्टम जो प्रॉब्लम ने वो सही होनगियाँ। तो यदि बॉडी इन्नी खराब सी ना कि एक जगह की तरफ छुप जाती सी, पिछे की तरफ नू गिर रही थी आप ही, और यह वाले दरवाजे जोड़े दोनों देख लेना उसी फ्रिज उतारे हुए हैं।
जनाब जी तुसी प्लेट देख रहे हो ना उपर वाली जगह से फिक्स होगी उपर वाले खाने से वाली जी तुसी अंदर वाली प्लेट देख रहे हो ना इस जगह तो यह कोई ख़राब हुई सी है छुरी फिरी हुई इस विच ते ईद वाले दिन ना मेरे ख्याल से ईद तो बाद आई सी ते गोश्त निकालते निकालते छुरी लग गई ਇਹਦਾ ਫਰੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਜਿਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਪਾਈਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਬਲੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਆ ਫਰੀਜ਼ਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਰਿੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਬਿੱਲੀ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਕੈਟੋ ਓ ਓ ਓ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ ਨਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੱਛਲੀ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਗੈਰਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਰਿੱਜਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਗਈ ਸੀ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ ਓਕੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕਰਦੇ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੀ ਮਸਜਿਦ ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣੀ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੌਪ 'ਤੇ जनाब बाहर इन्नी तेज़ बारिश हो रही है और मैं इस कैबिन से खड़े होकर ना परांठे गर्म कर रहा हूँ परांठे आलू वाले परांठे ने तैयार गर्म करने ने उसके बाद इंशाल्लाह खावांगे ओके जनाब तो उन्हें काम कर रहे थे और अचानक बारिश शुरू होगी बारिश भी बड़ी तेज़ किस्म दी तो खैर अपना अच्छा ब्लॉग कर देते वीडियो पसंद आए तो जल्दी वीडियो लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर देना इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग से बहुत सारा प्यार अल्लाह हाफ़िज़।